मान कि आप भी मेरी तरह कंफ्यूज थे कि ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है, स्टैट ऑडिट क्या होता है, कंकरेंट ऑडिट क्या होता है, मैं आर्टिकलशिप करूं तो किस में करूं, इंटरनल ऑडिट में करूं, स्टैट ऑडिट में करूं या कंकरेंट ऑडिट में करूं। कोई बोलता है इंटरनल ऑडिट अच्छा है, कोई बोलता है स्टैट ऑडिट अच्छा है, और थर्ड ऑप्शन अब नया, व्हाट इज कंकरेंट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट होता ही क्या है। अगर आप भी कंफ्यूज हो और आपको नहीं आ रहा समझ कि मैं अपनी आर्टिकलशिप कौन से डोमेन में करूं, इंटरनल ऑडिट में करूं, स्टैट में करूं, और ये कंकरेंट क्या होता है, क्या कंकरेंट में अपनी आर्टिकलशिप करूं, तो आज आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आ गई हूँ ये वीडियो लेके। इस वीडियो में हम अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी आर्टिकलशिप आपने स्टार्ट कर दी है और आप अपनी डोमेन चेंज करने की सोच रहे हैं, फील्ड चेंज करने की सोच रहे हैं, या अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है, तब आप बहुत कंफ्यूज हैं, कोई आपका सीनियर बोलता है स्टैट अच्छा है, कोई बोलता है इंटरनल अच्छा है, और ये कंकरेंट तो नई टर्म निकली है, तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ खुशी गर्ग। तो मैं अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे और स्पेशल क्लास पे ऑलरेडी काफी सारे सेशंस दिए, इंटर फाउंडेशन से रिलेटेड ले चुकी हूँ, तो आप उनको जाके जरूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट इंटरनल ऑडिट, क्योंकि मैं खुद इंटरनल ऑडिट में आर्टिकलशिप करती हूँ। तो आप सबको पता है कि इंटरनल ऑडिटर होने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, बट आपको पता है कि कंपनीज एक्ट ने हमें सर्टेन लिमिट्स दी है कि अगर एक कंपनी उसके ऊपर उसका टर्नओवर या पेड अप कैपिटल होता है तो के उनको फिर मैं अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल और स्पेशल क्लास पे ऑलरेडी काफी सारे सेशन ले चुकी हूँ सीए इंटर से रिलेटेड, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, तो आप उनको जाके जरूर देखो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट इंटरनल ऑडिट। आप सबको पता है कि इंटरनल ऑडिट हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग सर्टेन रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी कंपनी उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है तो उनको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है। अब इंटरनल ऑडिटर होने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, जैसे कि स्टैट ऑडिट में अगर आपको स्टैट ऑडिटर बनना है तो यू शुड बी अ सीए। आपको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तभी स्टैट ऑडिटर बन सकते हो, बट इंटरनल ऑडिटर के केस में ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, आपको नहीं पता कि उनके खुद के इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिट सेल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी अपनी पूरी खुद की ही टीम होती है। तो कंपनीज के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकती है अपना इंटरनल ऑडिट करने के लिए, या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनकी खुद की टीम हो सकती है, खुद का सेल हो सकता है इंटरनल ऑडिट के लिए। तो व्हाट इज एक्चुअली इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट को आपने कहीं और नामों से भी सुना होगा, दैट इज लाइक रिस्क एडवाइजरी या कंसल्टेंसी। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट एक्चुअली में आजकल प्रोसेस ऑडिट को इंटरनल ऑडिट बोला जाता है। व्हाट इज प्रोसेस ऑडिट? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई भी कंपनी है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो वहां पे आप प्रोडक्शन को ऑडिट कराना चाहते हो, वहां पे आप फाइनेंस को ऑडिट कराना चाहते हो, आप एचआर को ऑडिट कराना चाहते हो, तो यानी कि वो पूरा प्रोसेस, उसका ऑडिट हम स्टार्ट से लेके एंड तक करते हैं। तो एक्चुअली करते कैसे है, आप क्या करते हो कि जब भी आप किसी भी कंपनी में फर्स्ट टाइम इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको पहले जाके उनके प्रोसेस को समझना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में ये ऐसा होता है, स्टैट में ये आपको एडवांटेज होती है, बस इंटरनल ऑडिट में यही डिसएडवांटेज होती है कि जो भी आप अपने सीए फाइनल में से इंटर में पढ़ रहे हो फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट, वो आपको इंटरनल ऑडिट में एज सच इतना यूजफुल, आपकी जो थ्योरी या जो भी आपने बुक्स में पढ़ा है, बुकिश नॉलेज इतनी काम नहीं आएगी। आपको अपना कॉमन सेंस और जब आप प्रोसेस को समझोगे तब ज्यादा अच्छे से इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, बट स्टैट ऑडिट में ऐसा नहीं है। स्टैट ऑडिट जब आप करने जाते हो तो आप जो एक्चुअली में पढ़ रहे हो, आप अकाउंटिंग एफआर पढ़ रहे हो, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको सेम टू सेम स्टैट ऑडिट में देखने को मिलेगी। तो आप अपनी स्टडीज के बीच में और जो आप काम कर रहे हो स्टैट ऑडिट में, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन होता है, तो आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ आती है। बस इंटरनल ऑडिट में यही डिसएडवांटेज है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें देखने को और देखने को मिलेगी, ऑडिट करने को मिलेगी, क्योंकि इनका स्टडीज से कोई रिलेशन ही नहीं है बस। और इंटरनल ऑडिट में कुछ फायदे भी हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट में आपको घूमने को बहुत मिलेगा, आपको ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्पिटल को ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपको देखने मिलेगा कि हॉस्पिटल कैसे काम करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया, इंटरनल ऑडिट मैंने किया अपनी आर्टिकलशिप में, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो मुझे फैक्ट्रीज में लाइव जाके देखने को मिला कि वो कैसे पैकेट्स बन रहे हैं, वो कैसे पैक हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसे टेस्ट होती है, इंक कैसे यूज होती है, मशीनें कैसे काम करती है, तो फैक्ट्री में मैंने लाइव जाके देखा है। तो ये सब आपको इंटरनल ऑडिट में ही देखने को मिलेगा, स्टैट ऑडिट में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा।
मिलेगा, आपको इंटरनल ऑडिट में ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा, क्योंकि जब आप प्रोसेस को ऑडिट करते हो तो आपको प्रोसेस को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसलिए आपको बार बार आप पूरा विजिट करते हो, और प्रोडक्ट जो आपका ग्राउंड जहां से फैक्ट्रीज होती हैं वो सब आपको विजिट करने को बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती हैं इंटरनल ऑडिट में, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट कुछ कंपनीज क्वार्टरली कराती हैं, कुछ साल में एक बार कराती है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे कि मैनेजमेंट में। बेसिकली हम इंटरनल ऑडिट क्यों कराते हैं, ताकि हमारे जो कंपनी का जो प्रोसेस है, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो ढंग से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, बीच में कोई डिजाइन गैप तो नहीं है, हमारी इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मतलब इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि हम स्टैट ऑडिट क्यों करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, वो सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। बट इंटरनल ऑडिट इज नॉट अबाउट दैट, इंटरनल ऑडिट इज अबाउट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड। और आप इंटरनल कंट्रोल देखते हो, आप देखते हो प्रोसेसेस, देखते हो सारी चीजें, तो यानी कि आप बेसिकली कंपनी की कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश करते हो, उनकी प्रोसेसेस को ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करते हो। अगर आपको कोई लगता है कोई कंट्रोल आपका वीक है, तो आप उस पर अपनी रिकमेंडेशन देते हो मैनेजमेंट को, फिर वो उसको इम्प्रूव करती है। तो इंटरनल कंट्रोल यानी कि कंपनी की जो ओवरऑल मतलब कंपनी कैसे काम कर रही है, वो सब आपको इंटरनल ऑडिट में देखने को मिलेगा। आपको एक बिजनेस की स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आपने कंपनी के सारे प्रोसेस ऑडिट कर लिए तो पूरी अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो इंटरनल ऑडिट में यही फायदा होता है, बस एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे फील्ड पे उतर के एक्चुअली काम करना पड़ता है, फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से, ठीक है। तो आई होप अब आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में काफी कुछ पता हो। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैट ऑडिट। स्टैट ऑडिट क्यों करते हैं हम, अपनी आप सबको बताएं कि स्टैट ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बोला। और स्टैट ऑडिट हम करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए, ताकि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, ताकि जो बैंक्स हैं और जो भी यूजर है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ कंपनी अच्छे से काम कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सारी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंट्रोल्स वगैरह भी देखते हैं, बट इतना डेप्थ में नहीं देखते, हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल देखते हैं, इतना डेप्थ में सारे प्रोसेस एंड ऑल जो हम इंटरनल में देखते हैं वो सब हम स्टैट में नहीं देखते। स्टैट में आपको फील्ड पे जाके काम करने को कम मिलेगा, मतलब अगर आप किसी भी कंपनी का काम कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल पे वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, वो प्रोसेस कैसा है, वो स्टैट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली आप फाइनेंस वाली टीम के साथ ही बैठ के काम करोगे, ऑफिस में ही रहोगे, आपको ट्रैवलिंग उतना नहीं मिलेगी, मतलब यूनिट्स विजिट करने को, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग या वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सैट में हम ऐसे काम करते हैं। इसके अलावा सैट में आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, नो डाउट, और सैट में जो रिस्पेक्ट मिलती है वो सबको पता है, इंटरनल में भी मिलती है, बट सैट तो सैट है भाई। तो और एक और एडवांटेज है स्टैट ऑडिट में कि मैंने जो आपसे डिस्कस किया कि जो आप पढ़ते हो स्टैट ऑडिट में, एक्चुअली आप वही सब चीजें यूज कर रहे होते हो, अप्लाई कर रहे होते हो। तो स्टैट ऑडिट में ये बहुत अच्छी चीज होती है आर्टिकलशिप में कि जो आप चीजें पढ़ रहे हो और आप जो काम कर रहे हो, तो वो चीजें दोनों के बीच में रिलेशन है, तो आप ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाते, क्योंकि जो थ्योरी में पढ़ा वो प्रैक्टिकली किया, तो दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा होता है। तो बस स्टैट में यही फायदा है, इंटरनल में यही डिसएडवांटेज है कि वहां पे आपको बिल्कुल अलग चीजें, अलग इंडस्ट्री नॉलेज, अलग अलग नॉलेज। अब लास्ट हमारा बेसिकली रह गया है कनकरेंट ऑडिट। कनकरेंट ऑडिट एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कनकरेंट वर्ड का मतलब क्या है, कि वो चलता रहे साथ साथ, जब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो साथ साथ उसका ऑडिट चलता रहे, ज्यादा गैप ना आए उस ट्रांजेक्शन के बीच में और ऑडिट के बीच में। कनकरेंट फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटरनल ऑडिट क्या होता है, हम सैम्पल बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं, बट कनकरेंट में ऐसा नहीं होता। कनकरेंट ऑडिट में आप क्या करते हो, सारी ट्रांजेक्शन को चेक करते हो, सैम्पल बेसिस पे टेस्ट चेकिंग नहीं होती, यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन ए टू जेड ट्रांजेक्शन आपकी चेक होती है। बेसिकली कनकरेंट ऑडिट आपको बैंक्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, उसका रीजन है क्योंकि कनकरेंट ऑडिट जो घोष कमेटी है RBI ने उसको रिकमेंड किया था स्पेशली बैंक के लिए, क्योंकि बैंक्स में काफी सारे आपकी डेडलाइंस होती है, लिमिट्स होती है, NPA, लोन, इंटरेस्ट, KYC एंड डिपॉजिट, तो काफी सारी डेडलाइंस होती है, तो वो सब इररेगुलरिटीज को ओवरकम करने के लिए बैंक्स के लिए RBI ने कंपल्सरी किया है कनकरेंट ऑडिट। बट आजकल कुछ कंपनीज भी कनकरेंट ऑडिट कराती हैं, क्योंकि कनकरेंट ऑडिट में आपको काफी सारी इररेगुलरिटीज, जब आप डे टू डे ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन देखते हो, तो आपको देखने को मिलती है, जिनको आप टाइम टू टाइम
साथ साथ जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन हो रही है आप इम्प्रूव कर सकते हो, ना कि इंटरनल ये स्टैक की तरह जो साल में एक बार होता है या क्वार्टरली होता है, तो उतना वेट नहीं करना पड़ता, कंकरेंट आपका चलता रहता है। हम बोल सकते हैं कि कंकरेंट ऑडिट एक तरीके से इंटरनल ऑडिट का ही एक पार्ट है। बेसिकली बैंक्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने ही इंट्रोड्यूस किया है बैंक के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ के बाकी सारे बैंक्स के लिए ये कंपल्सरी है। तो बट आजकल कंपनीज भी कराती है, ताकि उनके जो भी मतलब ट्रांजेक्शन है, बिल्स हैं, वो डे टू डे चेकिंग होती रहे। अगर कोई भी इनएफिशिएंसी है, तो कोई भी गड़बड़ है, तो वो साथ के साथ पकड़ में आके हम उसको उस चीज को ठीक कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस क्लाइंट पे एलोकेटेड हूँ, वहां पे मैं खुद कंकरेंट ऑडिट कर रही हूँ, तो हम वहां पे क्या करते हैं कि हमारे वो जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट की कंपनी है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो सामान, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास डेली काफी सारे बिल्स आते हैं। कंकरेंट ऑडिट में आपको वाउचिंग का काम ज्यादा मिलेगा, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास सारे बिल्स आते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उन बिल्स की जो टर्म्स है, जो पेमेंट टर्म्स है, वो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हुई है नहीं हुई है, वेदर वो ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल थे, तो उन्होंने ई इनवॉइस जनरेट किया है या नहीं किया है, और जो पीओ में क्वांटिटी है वही जीआरएन में क्वांटिटी है। मतलब आप वाउचिंग, आप ट्रांजेक्शन देखते हो, आपको ईआरपी यूज करने को मिलता है कि सिस्टम में जो एंट्री करी है, या सिस्टम में जो आपका इनवॉइस नंबर है, वो जो हार्ड कॉपी है, वो सब सेम है डिटेल्स या नहीं, तो ये सब काम आपको ज्यादा देखने को मिलता है कंकरेंट ऑडिट में। तो अब आई होप आप सबको इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट और कंकरेंट ऑडिट का एक ओवरऑल आइडिया तो मिल गया हो कि एक्चुअली होता क्या है, ताकि आप अपनी आर्टिकलशिप में एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर सको कि मुझे स्टैट में जाना है, इंटरनल में जाना है या कंकरेंट में जाना है। देखो, मैं तो ये कहूंगी कि स्पेसिफिक डोमेन पकड़ के मत बैठ जाना कि मुझे इंटरनल या स्टैट या कंकरेंट में ही जाना है। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग लेवल पे सब, आई थिंक सबका एक्सपोजर लेना जरूरी है। अगर आपकी फॉर्म, जिस भी फॉर्म में आप कर रहे हो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज सब चीज का एक्सपोजर लो। अभी अगर आप आर्टिकलशिप में इंटरनल कर लो, बाद में सीए बनने के बाद सैट कर लेना, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर आपने आर्टिकलशिप में सिर्फ इंटरनल किया तो आप सीए बनने के बाद भी इंटरनल ही करोगे, या सैट किया है तो सैट ही करोगे, ठीक है। और कंकरेंट आपका एक चीज, और कंकरेंट में क्या होता है कि कंकरेंट आपका साल भर चलता रहता है, बहुत कम, मतलब आपको ये बैंक में ज्यादा देखने को मिलेगा, कंपनीज बहुत कम कराती है। बहुत हाई लेवल पे जो कंपनीज है, जिन्हें अपनी मतलब अपना पूरा प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन चाहिए, तो वही कंपनीज कंकरेंट ऑडिट के लिए ऑप्ट करती है, बैंक्स में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बट फिर भी मोस्टली आपका जो आपको डोमेन मिलेगी वो इंटरनल और स्टैट मिलेगी। कंकरेंट कभी कभी मतलब आपको एक्सपोजर के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस फॉर्म में मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ, वहां कंकरेंट ऑडिट का ऐसा कोई फील या डिपार्टमेंट नहीं है, बस हमें इंटरनल कर रहे थे, तो इस क्लाइंट करने का भी मौका मिल गया, क्योंकि कंकरेंट अभी उस लेवल तक इतना, मतलब कह सकते हैं इतना एक्सपोजर नहीं है, और उसमें इतना ज्यादा कुछ सीखने को भी नहीं है। एक टाइम के बाद बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आपको डेली वही वाउचर्स और वो सब देखने को मिलते हैं। पर ठीक है, आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि बिल्स कैसे बनते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती है, वो सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी, आई होप अब आपको सब क्लियर हो और आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी हो कि इंटरनल क्या होता है, स्टैट क्या होता है, कंकरेंट क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्टिकलशिप से रिलेटेड और चीजें लेके आऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने कैसे इंटरनल ऑडिट में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, क्या क्या किया, क्या एक्सपोजर मिला, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, तो किस बात का वेट कर रही, ऑलरेडी ग्रुप वन के लिए चल रहा है, वहां पे 20% ऑफ है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो, खुशी UA10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ और मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, तो जल्दी जाओ, ज्यादा देर मत करो कि इससे पहले प्राइसेस बढ़ जाएं, क्योंकि मैंने खुद अनअकैडमी से क्लासेस ली थी, तो अनअकैडमी इज बेस्ट, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, जिस प्राइस पे वो क्लासेस दे रहे हैं। तो इसलिए टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाके सब्सक्रिप्शन लो।